प्रयागराज से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां अतीक अहमद के घर पर छापा पड़ा है और अतीक के चकिया स्थित दफ्तर पर मिले खून के निशान। सूचना पर खुलदाबाद थाना पुलिस मौके पर पहुंची। कई जगहों पर खून के धब्बे और खून से सना चाकू मिला है। कई कपड़े भी खून से सने हुए मिले हैं। पहले फ्लोर पर किचन का सामान भी बिखरा पड़ा मिला है और खुलदाबाद इंस्पेक्टर अनुराग ने अधिकारियों को जानकारी दी है और एसीपी डीसीपी सिटी के पहुंचने पर पुलिस कार्रवाई करेगी। फिलहाल बड़े अधिकारियों का आने का इंतजार है और इसी कार्यालय से 21 मार्च को मिले थे रुपए 74,62,000 कैश बरामद किए गए थे और 10 असलहे भी बरामद किए गए थे और अतीक के ड्राइवर कैश अहमद की निशानदेही पर बरामदगी की गई थी। बड़ी और अहम खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर है। प्रयागराज से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ राघवेंद्र मिश्रा हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। राघवेंद्र, प्रयागराज में अतीक अहमद और उनके भाई अशरफ के घर पर छापेमारी की गई है, क्या कुछ पूरी जानकारी विस्तार से बताइए। जी बिल्कुल दीपक, जिस प्रकार से जो चकिया स्थित आवास पर अतीक अहमद के घर में जो है खून से लथपथ जो है आज जो है कपड़े मिले हैं, वहां पर जो है किचन है वहां पर भी खून के धब्बे मिले हैं और आपको बता दें एक बड़ा सा चाकू, जिससे जो है ये छोटा मोटा चाकू नहीं है, स्क्रीन पर जो है दर्शकों को मैं दिखा भी रहा हूँ, ये बड़ा चाकू मिला है और सीढ़ियों से लेके ऊपर दूसरे मंजिल से लेके नीचे तक खून के धब्बे मिले हैं। तो सीधा इस पर तौर पर देखा जा रहा है कि किसी न किसी की यहाँ पर हत्या की गई है और फोरेंसिक की टीम जो है मौके पर पहुंच रही है और पुलिस भी इस समय जो है पहुंच गई है। धूमन इंस्पेक्टर पहुंच चुके हैं, वो बड़े अधिकारियों को सूचना दिए हैं, जल्द ही वहां पर पहुंचेगी, तत्काल की खबर है, अभी अभी खबर रही है। तो ये देखा जा रहा है कि जहां पर जो है पहले ही जो है वहां पर छापेमारी की गई थी, हालांकि योगी सरकार ने इस चकिया स्थित आवास को बुलडोजर चला के ध्वस्त कर दिया गया, किंतु 21 मार्च को जहाँ पर पुनः जो है पुलिस ने छापेमारी की थी तो वहां पर 74,62,000 रुपए भी मिले थे, जिसका इस्तेमाल हत्याकांड को लेकर किया गया था। हालांकि इसका जो है पुलिस ने खुलासा कर दिया कि जो मोहम्मद मुस्लिम है लखनऊ का निवासी है, उसके माध्यम से 80 लाख रुपए आए थे, वही पैसा वहां पर बरामद हुआ था। तो इस समय की बड़ी खबर है कि वहां पर चकिया स्थित आवास पर कोई पुलिस सुरक्षा नहीं थी। अतीक अहमद और अशरफ के मारे जाने के बाद 15 अप्रैल को मारे जाने के बाद वहां पर सुरक्षाएं कम कर दी गई थी इस चकिया स्थित आवास पर, जहाँ की बगल में जो कब्रिस्तान है वहां पर असद और उसके बाप पिता अतीक और चाचा अशरफ को दफना दिया गया था। उसके बाद से इस मकान की सुरक्षा कम कर दी गई थी, सुरक्षा व्यवस्था ना होने के कारण वहां पर सुनसान इलाके में किसी ने किसी की हत्या किया है ऐसा जो है माना जा रहा है। हालांकि अभी एक जांच का विषय है, क्योंकि खून के जो धब्बे मिले हैं, जो कपड़े खून से लथपथ मिले हैं, रसोई का सामान बिखरा हुआ है, अगर देखा जाए दिव्या तो एक बात भी समझ में आ रही है कि अतीक के ऊपर जो भी खुलासे हो रहे हैं, अतीक की भले हत्या हो गई हो, अतीक को भले जो है कुछ जो है फाइलें भी बिखरी पड़ी हुई है, तो कुछ लोग ये अनुमान लगाया जा रहा है, कुछ लोग वहां पर गए थे जो दस्तावेज भी जो है वहां पर लिए होंगे, जिससे अतीक अहमद के जो पुराने साम्राज्य हैं, जो भी अवैध संपत्ति का मामला हो या उनसे जुड़े जो भी कारोबारी रहे हों, जो भी सुराग जो भी परत दर परत पुलिस खोलने का प्रयास कर रही हो, भी सुराग तलाशने का प्रयास किए हों लोगों ने, तो एक कल रात की घटना बताई जा रही है। हालांकि फोरेंसिक जांच के बाद ही पता चलेगा कि खून के धब्बे कल रात के हैं या 2-4 दिन पहले के। जी दिव्या, राघवेंद्र, हम ये भी जानना चाहेंगे कि खुलदाबाद थाना पुलिस मौके पर पहुंची है और आगे क्या कुछ कार्रवाई कर रही है। जी बिल्कुल, वहां पर खुलदाबाद की टीम पूरी पहुंच चुकी है और भी अधिकारी आने आ रहे हैं, जल्द ही आप पहुंच जाएंगे, क्योंकि बड़ी खबर है, पूरे प्रयागराज में ये खबर फैल चुकी है, बड़े बड़े अधिकारी वहां पर पहुंच रहे हैं, फोरेंसिक टीम को भी जो है सूचना दे दी गई है, जल्द ही वहां पर फोरेंसिक टीम पहुंचेगी और जो है पुलिस पूरे जो है तफ्तीश कर रही है, पूरे कमरों की तफ्तीश कर रही है, सीढ़ियों से जो खून मिल रहा है, जो वहां पर रसोई में जो खून मिल रहा है और जो खून के धब्बे फर्श पर जो फैले पड़े हैं उसकी भी जांच पुलिस कर रही है। हालांकि फोरेंसिक टीम के आने के बाद ही और बड़े अधिकारियों के आने के बाद ही इस जो है पूरी घटना का पूरा खुलासा होगा। और रही बात यह कि दर्शकों को ये बता दूं कि क्योंकि चकिया स्थित आवास पर अतीक का जो है पुराना दफ्तर है, जहां पर पूरा कारोबार चलता था, वहां पर अतीक दरबार लगाता था, तो ये कोई या तो व्यक्ति की हत्या की गई है, तो व्यक्ति ने आत्महत्या किया, तब तक कोई सवाल नहीं उठता है, अगर कोई ना कोई सुराग
जो भी व्यक्ति रहा हो, जो वहां रह रहा हो, हालांकि पुलिस ने पहले ही उसके नौकरों को, रसोइये को और जो वहां पर देखरेख कर रहे थे उनको पहले पुलिस उठा चुकी है, वो इस समय भी जेल में है, पुलिस अभिरक्षा में है। तो ये बड़ा सवाल उठता है कि आखिर कौन व्यक्ति वहां पर रात में गया था जिसको जो है मुखबिरी करके लोगों ने मारा, या कौन कौन व्यक्ति थे जो ये खून के धब्बे, हालांकि हत्या का ही मामला लग रहा है अभी जो है फोरेंसिक। जी दिव्या, ठीक है राघवेंद्र, शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। नजर बनाए रखिएगा, अपडेट्स लेते रहेंगे।